फिल्म आज से 10,000 साल पहले दिखाई जाती है, जहां एक स्पेसशिप आसमान में उड़ते हुए जमीन पर आता है और एक एलियन झरने पर आता दिखाई पड़ता है। कुछ समय बाद वह किसी मौजूद पदार्थ को पी लेता है। पदार्थ को पीने के कारण एलियन का शरीर फटने लगता है, यहां तक कि उसके शरीर के डीएनए तक टूट जाते हैं। फिर वह झरने में गिरता है और उसका शरीर पूरी तरह से नष्ट होते हुए पानी में घुलने लगता है। एलियन का डीएनए पानी से मिलकर एक नए डीएनए का निर्माण करने लगता है। अब इस घटना के 10,000 साल बाद अब कहानी सन 2089 में आती है। वैज्ञानिकों की एक टीम स्कॉटलैंड में कुछ खोजबीन कर रही है। इस टीम का नेतृत्व डॉक्टर हॉलवे और डॉक्टर शॉ कर रहे हैं। खोजबीन में डॉक्टर शॉ को पुरातन एक गुफा चित्र मिलता है, जिसमें इंसानों को एक विशाल प्राणी की पूजा करते दिखाया गया है और वह विशाल प्राणी तारामंडल की ओर इशारा कर रहा है। पृथ्वी से 300 लाख करोड़ किलोमीटर की दूरी पर प्रोमीथियस नाम की एक स्पेसशिप पर 17 लोग अपने अनजान मंजिल की ओर बढ़ रही है। स्पेसशिप के अंदर डेविड नाम का एक बंदा टाइम पास करने में लगा हुआ है, क्योंकि स्पेसशिप के बाकी सभी मेंबर्स सोए हुए हैं। तभी अचानक स्पेसशिप को एक तेज झटका लगता है। यह इस बात का संकेत है कि स्पेसशिप अपनी मंजिल पर पहुंच चुकी है। डेविड जब स्पेसशिप के बाहर देखता है तब उसे एक ग्रह सा कुछ दिखाई देता है। फिर वो देखता है कि इस प्रोजेक्ट की सुपरवाइजर नींद से जाग चुकी है, जिसके बाद सुपरवाइजर मेरेडिथ को डेविड से पता चलता है कि वह 2 साल 4 महीने से सोए हुए थे। तब मेरेडिथ जल्दी सभी मेंबर को जगाने के लिए कहती है। सुपरवाइजर सभी को एक में इकट्ठा करती है और सभी को एक 3D होलोग्राम दिखाती है, जिसमें विलन कॉरपोरेशन के फाउंडर पीटर कहते हैं कि उन्होंने ही इस मिशन की नींव रखी थी। उन्होंने इस 3D होलोग्राम को 2 साल पहले रिकॉर्ड किया था और अगर वे सब इसे देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि वे सब अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। तब पीटर सबको डेविड के बारे में बताते हैं कि दरअसल डेविड इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। डेविड उनके लिए बेटे समान है। फिर वह डॉक्टर हॉलवे और डॉक्टर शो का सबसे परिचय करवाते हैं। वे उन दोनों को इस मिशन का इंचार्ज बनाकर उन्हें मिशन की जिम्मेदारी सौंप कर चले जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर हॉलवे सभी को पृथ्वी पर हर जगह की गई पुरातत्व खुदाई की तस्वीरें दिखाता है। वह बताता है कि यह सभी प्राचीन सभ्यताएं हैं और हर सभ्यता के बीच सैकड़ों सालों का अंतर है। इनका एक दूसरे से कोई संपर्क भी नहीं था। फिर भी यह चित्रलेख जिसमें वह विशाल प्राणी तारामंडल की तरफ इशारा कर रहा है, ऐसे ही चित्रलेख हर सभ्यता में देखे गए हैं। और इन चित्रलेखा में जो तारामंडल दिखाया गया है उससे मेल खाने वाला एकमात्र तारामंडल जिस गैलेक्सी में मौजूद है वो गैलेक्सी पृथ्वी से इतनी दूर है कि प्राचीन सभ्यताएं इसके बारे में कभी जान ही नहीं सकती थी। और आश्चर्य की बात यह है, उस गैलेक्सी में एक सूरज भी है और उस सूरज का चक्कर एक प्लैनेट लगा रहा है। वहां 3 चांद है, उनमें से एक पर जीवन वातावरण भी है, हमारी धरती जैसा, और आज सुबह ही वे उसे चांद पर पहुंच गए हैं। तब डॉक्टर शॉ बताती है कि जो विशाल प्राणी दिखाया गया है वो असल में एक एलियन है और उन्होंने ही हम इंसानों की रचना की है, और इन चित्रलेखा के माध्यम से वे हमें एक तरह का इशारा दे रहे हैं कि आओ और हमें उसे तारामंडल में ढूंढो। कुछ समय बाद डेविड दोनों डॉक्टर्स को मेरेडिथ के चैम्बर में ले जाता है। वह दोनों डॉक्टर से कहती है कि अगर इस चांद पर एलियंस हो सकते हैं तो उनसे संपर्क करने की कोशिश न करें। तब डॉक्टर उससे इसकी वजह पूछते हैं, लेकिन वो उन्हें कुछ भी बताने से इनकार करती है। अगले सीन में डेविड और दोनों डॉक्टर्स बातें कर रहे होते हैं। डेविड उन्हें बताता है कि उसने पिछले 2 वर्षों में कई प्राचीन भाषाओं को समझा है, इसी के साथ अब वह एलियन से भी बात कर सकता है। जल्द ही वे लोग उनकी स्पेसशिप उसे चांद पर उतारने लगते हैं। तभी डॉक्टर हॉलवे की नज़र एक स्ट्रक्चर पर पड़ती है। वह कैप्टन जानिक को स्पेसशिप वहीं पर उतारने के लिए कहता है। पता चलता है कि वहां का वायुमंडल बिल्कुल पृथ्वी जैसा था, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की प्रमाण ज्यादा थी, इसलिए 2 मिनट भी सूट के बिना यानी निश्चित मौत। अंधेरा होने में कुछ ही घंटे बाकी थे। डेविड सहित 6 लोगों का दल उस विशाल टब जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ता है। वह सभी उस स्ट्रक्चर में प्रवेश करते हैं। फिर जियोलॉजिस्ट पूरे क्षेत्र की ड्रोन द्वारा स्कैनिंग शुरू कर देता है, जिससे उसका एक 3D मैप और बाकी टीम देख सके। हॉलवे बताता है कि यहाँ बाहर की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम है। वो कहता है कि यहाँ ऐसा कुछ है जो हवा को साफ कर रहा है। फिर वो अपना हेलमेट उतार देता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। वह जीवित था उसे देख बाकी सब भी अपना हेलमेट उतार देते हैं। तब जांच करते हुए डेविड को एक स्विच बोर्ड दिखाई देता है जिसमें कुछ चिन्ह बने होते हैं। वो उनमें अपनी उंगली चलाता है, जिसके बाद उन्हें प्रकाश में कुछ विशालकाय लोगों की भगती हुई आकृति दिखती है। उस रिकॉर्डिंग में विशालकाय लोग किसी चीज से डरकर भाग रहे होते हैं। तब सभी उन आकृतियों के पीछे भागते हैं। उनमें से एक आकृति दरवाजे पर आकर गिर जाती है और दरवाजा बंद हो जाता है, जिससे सर दरवाजे के उस तरफ और धड़ इस तरफ कटकर रह जाता है। जियोलॉजिस्ट उसे विशालकाय प्राणी का शरीर देखकर घबरा जाता है और बायोलॉजिस्ट के साथ वहां से स्पेसशिप पर लौट जाता है। डॉक्टर शॉ को कार्बन रीडिंग से पता चलता है कि उसे विशाल जीव को मारे लगभग 2000 साल गुजर चुके हैं। तब तक डेविड स्विच बोर्ड समझते हुए दरवाजा खोल देता है। उन्हें दूसरी तरफ उसे जीव का सर पड़ा मिलता है और मिलती है एक विशालकाय चेहरे की मूर्ति।
पूरे कमरे में बहुत पेन जमा कर रखे हुए थे। छत पर एक बहुत बड़ी पेंटिंग बनी हुई थी। वह लोग कमरे में प्रवेश करते ही कमरे में बदलाव आना शुरू हो जाता है। वहां रखे हुए पेन पिघलने लगते हैं और उनमें से एक काले रंग का द्रव्य बहाने लगता है। छत पर लगी पेंटिंग भी खराब होना शुरू हो जाती है। अब डॉक्टर शो समझ जाती है कि उनके आने से कमरे का टेम्परेचर बदल गया है। वह सभी को जल्दी से वहां से बाहर निकलने के लिए कहती है और सर को अपने साथ ले जाने के लिए एक बड़े से पॉलिथीन बैग में भर लेती है। तभी जानेक सभी को बताता है कि जल्द ही तूफान आने वाला है, इसलिए तुरंत स्पेसशिप पर लौट आए। डॉक्टर शो और वक्त मांगती है, लेकिन सुपरवाइजर उन्हें सिर्फ 15 मिनट की मोहलत देती है। इधर डेविड सबसे छिपकर धीरे से एक पिन को अपने बैग में डालता है। जल्दी से निकलते हुए सब तेजी से स्पेसशिप की ओर बढ़ते हैं। तूफान तेजी से उनके पीछे आ रहा होता है। यह कोई साधारण तूफान नहीं था, उसमें सिलिका के कण और हजारों वोल्ट की बिजली थी। सभी लोग स्पेसशिप पर बस पहुंच ही पाते हैं कि तभी उनके वहां से एलियन का सर उछालकर गिर जाता है। सर को उठाने के चक्कर में डॉक्टर शो तूफान में उड़ जाती है। डॉक्टर हॉलवे डॉक्टर शो को बचाने की नाकाम कोशिश करता है। तभी डेविड आकर उन दोनों को बचा लेता है। स्पेसशिप पर उन्हें पता चलता है कि बायोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट स्पेसशिप पर लौटे ही नहीं, असल में वो दोनों उस गुफा में रास्ता भटक गए। कैप्टन उन दोनों को मैसेज करता है कि तूफान के कारण उन दोनों को रात उसी स्ट्रक्चर में गुजारनी होगी। उधर स्ट्रक्चर के अंदर उन दोनों को एलियंस की लाशों का ढेर मिलता है। ये लाशें 2000 साल पुरानी थी। इधर स्पेसशिप पर डॉक्टर्स एलियन के सर का एनालिसिस करते हैं, जिसमें उन्हें पता चलता है कि जिसे वे उसे एलियन का सर समझ रहे थे वह तो बस हेलमेट है। एलियन का सर तो उसे हेलमेट के अंदर होता है। उसके सर की और जांच करने पर पता चलता है कि वह किसी वायरस से इन्फेक्टेड है। उसे वायरस के बारे में और जानने के लिए वे उसे वायरस को सक्रिय करते हैं। इसके आगे वे और कुछ जान पाते। इन्फेक्शन के कारण वो सर एक जोरदार हरकत से फट पड़ता है। एलियन के डीएनए की जांच करने के बाद पता चलता है कि एलियन का डीएनए इंसानों के डीएनए से हूबहु मैच करता है, जिससे ये साफ हो जाता है कि ये एलियंस ही हमारे पूर्वज है। यही वे एलियन है जिन्हें हम ढूंढने यहाँ आए हैं। उधर डेविड अपने साथ लाए हुए पिंट को खोलकर उसमें से थोड़ा सा सैंपल निकल लेता है। फिर वो उस सैंपल को डॉक्टर होलवे के ड्रिंक में मिला देता है। इस बात से अनजान डॉक्टर होलवे वह ड्रिंक पी जाता है। इसके बाद डॉक्टर होलवे डॉक्टर शो से मिलने जाता है। डॉक्टर शो उसे बताती है कि इंसान इन एलियन के ही बच्चे हैं, लेकिन बच्चों का जिक्र आने के कारण डॉक्टर शो को पुरानी यादें ताज़ा होती है, क्योंकि एक मेडिकल कंडीशन के कारण वो कभी माँ नहीं बन सकती थी। दुख में डॉक्टर हॉलवे तब उसे मनाने की कोशिश करता है और फिर दोनों में एक जबरदस्त मैच होता है। उधर बायोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट घूम फिर कर उसी कमरे में आ जाते हैं जहाँ वह पिंड रखे हुए है। पता चलता है कि पिंडों से बहता कला द्रव्य पूरे कमरे में फैल चुका था। तभी अचानक उन्हें उसे द्रव्य में सांप जैसे दो जीव नजर आते हैं। बायोलॉजिस्ट एक केंचुव के करीब जाकर उसकी जांच कर रहा होता है कि तभी वो केंचुआ उस पर हमला करके उसका हाथ तोड़ देता है। जियोलॉजिस्ट केचुए को काटता है, लेकिन उसके एसिड जैसे खून से वो बुरी तरह जल जाता है और वह केचुआ जहां से काटा था वहीं से दोबारा उगते हुए बायोलॉजिस्ट के सूट के अंदर घुस जाता है। इस प्रकार दोनों की बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती है। स्पेसशिप में डॉक्टर हॉलवे की तबीयत बिगड़ने लगी थी। उसे अपनी आंख के अंदर एक छोटा जंतु दिखाई देता है। बाहर तूफान थम चुका था। बायोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट स्पेसशिप से भेजे गए किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे थे, इसलिए कैप्टन अपने दल के साथ रात में ही उन दोनों को लाने निकल पड़ता है। वे लोग उसे स्ट्रक्चर में पहुंचकर उन दोनों की खोज शुरू करते हैं। दूसरी और डेविड अकेले ही स्ट्रक्चर के दूसरे छोर पर चला जाता है। वहां उसे एक गुप्त कमरा मिलता है। उस कमरे चारों तरफ हजारों पिन जमा कर रखे हुए थे। सुपरवाइजर ये सब डेविड के सूट में लगे कैमरा के माध्यम से देख रही होती है। फिर डेविड को एक दूसरा कमरा नजर आता है। उस कमरे में प्रवेश करते ही डेविड अपना कैमरा बंद कर देता है। वह कमरा उन इंजीनियर का स्लीपिंग चैम्बर था। दूसरी तरफ कैप्टन और उसकी टीम को बायोलॉजिस्ट की लाश मिलती है। जियोलॉजिस्ट उन्हें कहीं दिखाई नहीं देता। तभी डॉक्टर हल्लवे की तबीयत और बिगड़ जाती है और वे सब तुरंत ही वहां से स्पेसशिप की तरफ निकल जाते हैं। उधर डेविड इंजीनियर के स्लीपिंग चैम्बर में वहां मौजूद कंट्रोल पैनल के कुछ बटन्स दबाता है, जिससे एक 3D रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। वह रिकॉर्डिंग देखकर डेविड समझ जाता है कि इंजीनियर पृथ्वी पर जाने वाले थे। तभी वो रिकॉर्डिंग एकदम से बंद हो जाती है और डेविड को पता चलता है कि उनमें से एक एलियन अभी भी जिंदा है और वह लंबी और गहरी नींद में है। स्पेसशिप में पहुंचकर डॉक्टर का रूप बदलने लगता है। इन्फेक्शन के फैलने के डर से सुपरवाइजर उसे स्पेसशिप में आने से रोकते हैं। डॉक्टर हॉलवे को भी अब तक समझ में आ चुका था कि वो संक्रमण का शिकार हो चुका है और सबके लिए खतरा बन चुका है, इसलिए वो खुद ही सुपरवाइजर की तरफ चिल्लाते हुए बढ़ता है कि उसे मार दिया जाए। उसे बढ़ता देखकर सुपरवाइजर उसे जलाकर वहीं मार देती है और डॉक्टर को जलता देखकर डॉक्टर शो रोने लगती है। तब कैप्टन उसे पकड़ता है और उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया जाता है। डॉक्टर शो को जब होश आता है तब डेविड उसे बताता है कि वो प्रेग्नेंट है, वो भी 3 महीने के गर्भ से।
ये सुनते ही वह सदमे में आ जाती है, क्योंकि डॉक्टर हॉलवे से उसके शारीरिक संबंध मात्र 10 घंटे पहले बने थे, जबकि 3 महीने पहले तो वह स्लीपिंग चैम्बर में सोई हुई थी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो कभी भी माँ नहीं बन सकती थी। डेविड उसे बताता है कि यह कोई आम गर्भ नहीं है। डॉक्टर शॉ उसे मिन्नत करती है कि वो उस गर्भ को उसके पेट से बाहर निकलने में मदद करें, लेकिन डेविड ये कहते हुए साफ इनकार कर देता है कि उनके पास इस तरह का ऑपरेशन करने के लिए कोई डॉक्टर नहीं है। फिर डेविड उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर सुला देता है। अब डॉक्टर को स्लीपिंग चैम्बर में ले जाने के लिए फौज जब आती है, तब वह उन्हें मारकर वहां से भाग जाती है। जल्द ही वह सुपरवाइजर की चैम्बर में रखे मेटोपॉट द्वारा अपना ऑपरेशन करती है, जिसके बाद उस परजीवी को बाहर निकलकर उसे मेटोपॉट में ही बंद कर देती है। उधर कैप्टन को सिग्नल मिलता है कि जियोलॉजिस्ट उनके स्पेसशिप के बाहर खड़ा हुआ है। जब वे लोग उसे देखने बाहर जाते हैं, तब बुरी तरह से इन्फेक्टेड जियोलॉजिस्ट उन पर हमला बोल देता है और कई क्रू मेंबर्स को मार देता है। कैप्टन किसी तरह उससे मुकाबला कर उसे मौत के घाट उतारता है। उधर भागते भागते शॉ स्पेसशिप के उस हिस्से में पहुंच जाती है जहां पीटर बेलन को स्लीपिंग चैम्बर में रखा हुआ था। उन्हें हाल ही में नींद से उठाया गया है ताकि वह उस एलियन से मिल सके जिसे डेविड जिंदा सोता हुआ देखकर आया था। दरअसल पीटर विलन ने इस मिशन पर इसीलिए पैसे लगाए ताकि वह अपने निर्माता एलियन यानी इंजीनियर से मिलकर उनसे अमर बनने का तरीका पूछ सके। तब डॉक्टर शॉ भी उस इंजीनियर से मिलने के लिए तैयार होती है। तभी कैप्टन आकर उसे बताता है कि ये प्लेनेट कोई इंजीनियर का घर नहीं है, ये तो शायद उनका मिलिट्री बेस है जहां पर वे लोग हथियार बनाते थे। वह काला द्रव्य उनके द्वारा बनाया हुआ कोई जैविक हथियार ही होगा जो किसी तरह उनके काबू से बाहर हो गया और यहां मौजूद सभी इंजीनियर के मौत का कारण बना। दूसरी ओर सुपरवाइजर जो असल में पीटर विलन की बेटी थी, वो एलियन से मिलने के खिलाफ है। उसे लगता है कि यह उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन पीटर उसकी बात नहीं मानता है। फिर डेविड, डॉक्टर शॉ और अन्य लोग पीटर को लेकर इंजीनियर के स्लीपिंग चैम्बर में जाते हैं। जब कैप्टन उस गुफा का 3D मैप एनालाइज कर रहा होता है, तब उसे समझ में आता है कि दरअसल वह गुफा एक स्पेसशिप है। उधर डेविड सबको बताता है कि इंजीनियर पृथ्वी पर जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक कुछ गड़बड़ हो गई। दरअसल वो पृथ्वी पर नए जीवन की शुरुआत करने जाने वाले थे और वहां मौजूद जीवन, खास करके मनुष्य जाति को खत्म करने वाले थे। फिर डेविड एलियन को लंबी गहरी नींद से जगाता है और डेविड उसे उसी की भाषा में पूछता है कि बुढ़ापे के बाद मौत से कैसे बचा जा सकता है। तब वह प्यार से डेविड के सर पर हाथ फेरता है और फिर अचानक डेविड का सर धड़ से अलग कर देता है और बाकी सबको जान से मारने लगता है। इस हंगामे में सिर्फ डॉक्टर शॉ वहां से जान बचाकर भाग जाती है। फिर एलियन अपनी सीट पर विराजमान होकर अपने अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की तरफ उड़ान भरने के लिए चालू करता है ताकि वो अपना अधूरा मिशन पूरा कर सके, पृथ्वी पर मौजूद सारी मनुष्य जाति को मौत के घाट उतारना। डॉक्टर शो ये बात कैप्टन को बताती है। वो कहती है कि उन्हें एलियन के अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की ओर जाने से रोकना होगा। कैप्टन कहता है कि उनका जहाज कोई जंगी जहाज नहीं है, पर डॉक्टर कैप्टन से कहती है कि हर हाल में उसे पृथ्वी की ओर उड़ान भरने से रोकना होगा। कैप्टन अपने क्रू को तुरंत सुपर इंजन को शुरू करने के लिए कहता है ताकि उनका स्पेसशिप गोली के समान तेज गति पकड़ ले। तब सुपरवाइजर तुरंत ही लाइफ चैम्बर में जाने के लिए भागती है। कैप्टन बाकी क्रू मेंबर्स को भी लाइफ चैम्बर में जाने की हिदायत देता है, लेकिन कोई और नहीं जाता है। उधर इंजीनियर का अंतरिक्ष यान अपनी उड़ान भरना शुरू कर चुका था। कैप्टन पहले लाइफ बोट को स्पेसशिप से अलग कर सतह पर रिलीज करता है और इसके बाद सुपरवाइजर को भी उसके लाइफ चैम्बर सहित रिलीज कर देता है। स्पेसशिप प्रेमिडीज के सुपर इंजन के स्टार्ट होते ही वह जाकर गति से एलियन के अंतरिक्ष यान से टकरा जाता है। भारी विस्फोट के साथ पूरा अंतरिक्ष यान तबाह होता हुआ नीचे गिरता है। गिरते हुए वह अपनी चपेट में सुपरवाइजर और डॉक्टर शॉ को भी ले लेता है। सुपरवाइजर मर जाती है, लेकिन एक चट्टान के कारण डॉक्टर शॉ बच जाती है। उसके ऑक्सीजन सिलेंडर में सिर्फ 2 मिनट की ऑक्सीजन बची थी। वो ऑक्सीजन लेने के लिए कैप्टन द्वारा रिजेक्ट किए गए लाइफ बोट में जाती है। वहां उसे एक परजीवी दिखता है। वह खाली मैच पोर्ट देखकर समझ जाती है कि वह परजीवी दरअसल वही है जो उसके गर्भ से निकाला था। वह उसके गर्भ से निकलकर मरा नहीं था, बल्कि और भी बड़ा हो गया था। जल्दी ही डॉक्टर को वायरलेस रेडियो में डेविड की आवाज सुनाई देती है। वो उसे बताता है कि एलियन उसे मरने आ रहा है। फिर एलियन डॉक्टर शॉ पर हमला कर देता है। तभी डॉक्टर ऑक्टोपस जैसे दिखने वाले जीव को दरवाजे से अनलॉक कर देती है। वो जीव एलियन पर हमला कर देता है और उन दोनों के बीच से डॉक्टर शॉ जान बचाकर भाग जाती है। एलियन को अब उसकी नानी याद आने लगी है, क्योंकि ऑक्टोपस जैसा जीव उस पर हावी हो रहा है। जल्द ही वह एलियन के मुंह में अपना टेंटिकल घुसाता है और उसे मौत के घाट उतारता है। अब डॉक्टर हिम्मत हार चुकी थी। तभी डेविड की आवाज फिर से वायरलेस रेडियो पर आती है और डेविड डॉक्टर शॉ से मदद मांगता है। डॉक्टर पूछती है कि भला वो उसकी मदद क्यों करे। तब डेविड उसे बताता है कि यहाँ पर और भी बहुत सारे एलियन स्पेसशिप हैं और उसे उड़ना सिर्फ वही जानता है।
तब डॉक्टर डेविड की मदद करने पहुंचती है और डेविड बताता है कि एक बार वो नए एलियन स्पेसशिप पर पहुंच जाए तो फिर पृथ्वी पर लौटने का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। पर डॉक्टर कहती है कि वो वापस पृथ्वी पर नहीं लौटना चाहती, वह वहां जाना चाहती है जहां से एलियन आए थे। तब डेविड इसका कारण पूछता है। डॉक्टर कहती है कि पहले एलियन ने उन्हें बनाया फिर मरने की कोशिश की, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, वह इसकी वजह जानना चाहती है। बाद में डॉक्टर शो पृथ्वी पर अपना मैसेज भेजती है कि प्रमीथियस स्पेसशिप और उसका सारा क्रू खत्म हो चुका है और जो भी पृथ्वी में इस मैसेज को सुन रहा है वह यहाँ इस चांद पर आने की कोशिश कभी भी ना करें क्योंकि यहाँ अब सिर्फ मौत है। फिर डेविड और डॉक्टर शो उस ग्रह के लिए उड़ान भरते हैं जहाँ से वे एलियन आए थे। लेकिन उधर लाइफ बोट में एलियन की छाती चीरकर एक और एलियन बाहर निकलता है और वह एक भयंकर आवाज में चीखता है और यहीं पर यह मूवी समाप्त हो जाती है।